हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक सेल। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा सेल से रिलेटेड है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं, राइट। तो इसमें 15, 10 मार्क्स या 20 मार्क्स से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और 100% इन्हीं में से जरूर क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम बात करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, अगर आपने सेल की वीडियो नहीं देखी आप तो उसे जरूर देखिए, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। तो चलिए बात करते हैं सेल पर। सेल्स आर लाइक द ब्रिक्स ऑफ अ बिल्डिंग, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अवर बॉडी। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दे कैरी आउट ऑल द बेसिक फंक्शंस ऑफ द लाइक ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। सेल्स इन बिल्डिंग्स ऑफ ब्रिक्स से बना है, वे हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सेल्स ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, वे लाइफ के सभी बेसिक फंक्शंस जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म को कैरी आउट करते हैं। देयरफॉर सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इन ऑल लिविंग बींग्स। इसलिए सेल ऑल लिविंग बींग्स में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बेसिक यूनिट्स होती है। नेक्स्ट आएगा इसके बाद डिस्कवरी। डिस्कवरी किसने की है सेल की, वो भी हम देख लेते हैं। सेल्स आर सो टीनी दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, देयरफॉर डिस्कवरी ऑफ सेल इज लिंक्ड विद द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। सेल्स इतने छोटे होते हैं, जो सेल्स हो काफी टीनी होते हैं कि हमें नेक्ड आई से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं, इन्हीं खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है, राइट। जो सेल है वो काफी स्मॉल होते हैं, वो हमें नेक्ड आई से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं, इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, राइट। यानी कि इसमें कहा है सेल्स छोटे होते हैं जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें देखने के लिए क्या होता है खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इसलिए सेल की डिस्कवरी किसके इन्वेंशन से जुड़ी हुई है, माइक्रोस्कोप से, ठीक है। इसकी जो डिस्कवरी है माइक्रोस्कोप से जुड़ी हुई है। तो नेक्स्ट है सेल्स वेयर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 व्हेन ही ऑब्जर्व अ थिन स्लाइस ऑफ क्रॉक अंडर हिज माइक्रोस्कोप। ही नोटिस दैट द क्रॉक एंड हैड लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉल बॉक्स जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, जब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे क्रॉक का एक पतला टुकड़ा रखा। वह नोटिस करता है कि जो उसने क्रॉक का पतला टुकड़ा रखा, उन्होंने देखा कि क्रॉक में लार्ज नंबर ऑफ बॉक्स बन रहे हैं और एक साथ जॉइन कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक साथ मिलकर हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है हुक कॉल्ड दिस लिटिल बॉक्स सेलुला इन इंग्लिश सेल्स। दिस वेयर एक्चुअली एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द सेलुलर वॉल। दे डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, द फंक्शंस ऑफ इट्स वेरियस पार्ट वेयर डिस्कवर्ड ओनली आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मींस बुक ने इन छोटे बॉक्सेस को सेलुला कहा है, इंग्लिश में सेल कहा है। ये एक्चुअल में सेलुलोज के वॉल से घिरे एम्प्टी स्पेस होते हैं, राइट। सेल्स की डिटेल स्ट्रक्चर एंड उसके डिफरेंट पार्ट के फंक्शंस की डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद हुई है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी भी देख लेते हैं। द कंसेप्ट दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ द सेल, टू साइंटिस्ट, कौन कौन से हैं, फर्स्ट इसमें है स्लेडन एंड स्वान। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, न्यू सेल अराइज बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये कंसेप्ट्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मेड होती है। सेल थ्योरी को एक्सप्लेन टू साइंटिस्ट ने किया था, फर्स्ट इसमें है स्लेडन एंड स्वान। ये थ्योरी की स्टेटस है कि सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स होती हैं। न्यू सेल्स पहले से मौजूद सेल के डिवीजन से उत्पन्न होती है। इसके बाद आता है नंबर ऑफ सेल, यानी कि इसमें हम देखेंगे सेल, देयर नंबर, शेप एंड साइज, ठीक है। तो इसमें है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द सेल ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, यानी कि सेल्स की नंबर के बेस पर ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर में डिवाइड किया जाता है। तो कैसे किया गया है, ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर, ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर जैसे है यूनि इक्वल सिंगल प्लस सेलुलर इक्वल सेल, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, दी आर फॉर्म ऑफ जस्ट वन सिंगल सेल। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल आर यूनिसेलुलर, एग्जाम्पल्स है यूनिसेलुलर प्लांट्स, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास एंड यीस्ट एक्सेट्रा। यूनिसेलुलर एनिमल्स में है अमीबा एंड पैरामीशियम एक्सेट्रा। यानी कि इसमें कहा गया है कि जो यूनिसेलुलर है, ठीक है, यूनि सिंगल प्लस सेलुलर सेल ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी केवल एक सिंगल सेल से बनते हैं। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम एक्सेट्रा। इसके बाद नेक्स्ट आता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या कहा गया है, इसमें बोला है कि ऑल प्लांट एनिमल्स विच वी सी अराउंड अस
आर मेड अप ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल. दिस ऑर्गेनिज्म आर सेल, मल्टी सेलुलर, मल्टी मैनी सेलुलर एंड सेल ऑर्गेनिज्म. एग्जाम्पल पीपल, नीम, रोज, अर्थवर्म, फिश, फ्रॉग एंड ह्यूमंस. मीन्स इसमें कहा गया है कि सभी प्लांट एंड एनिमल जो हम अपने आसपास देखते हैं वो क्या है, बिलियंस एंड मिलियंस सेल से बने होते हैं. इन ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर, मल्टी मैनी एंड सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल पीपल, नीम, रोज, अर्थवर्म, फिश, फ्रॉग एंड ह्यूमन. नेक्स्ट आता है इसमें, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट सेल्स. द सेल डेडिकेटेड टू वन फंक्शन बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म दैट फंक्शंस मोर एफिशिएंटली. अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल डेडिकेटेड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यूज. सर्वल टिश्यू टूगेदर फ्रॉम एन ऑर्गेन. डिफरेंट ऑर्गेन आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस. सर्वल ऑर्गेन जॉइंट टूगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गेन सिस्टम. लास्टली मैनी ऑर्गेन सिस्टम जॉइंट टूगेदर टू फॉर्म अ कम्प्लीट ऑर्गेनिज्म. यानी कि इसमें कहा गया है कि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट फंक्शन सेल द्वारा किए जाते हैं. सेल एक फंक्शन के लिए समर्पित हो जाते हैं, उस फंक्शन को अधिक कुशलता से करने के लिए विशिष्ट हो जाते हैं. एक विशिष्ट कार्य करने के लिए समर्पित समान सेल के ग्रुप को टिश्यू कहा जाता है. कई सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं. डिफरेंट ऑर्गन को डिफरेंट फंक्शंस को करने के लिए स्पेशलाइज किया जाता है. एक ऑर्गन सिस्टम बनाने के लिए कई ऑर्गन एक साथ जुड़ते हैं. एंड में एक कंप्लीट ऑर्गन ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए ऑर्गन सिस्टम एक साथ ज्वाइन होते हैं. जैसे उन्होंने बोला सेल है, सेल से क्या है, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, लास्ट में ऑर्गेनिज्म. इसके बाद आता है सेल शेप. सेल शो अ ग्रेट वेरिएशन इन देयर शेप. डिफरेंट शेप ऑफ सेल आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन. सेल मे बी राउंडेड, स्फेरिकल, ओवल. यानी कि इसमें कहा गया है कि सेल अपने शेप में काफी डिफरेंट दिखती है. सेल के डिफरेंट जो शेप है उनके स्पेसिफिक फंक्शन से रिलेटेड होती है. सेल राउंडेड होता है, स्फेरिकल, ओवल होता है, इलेक्टेड, ट्यूबुलर और सिलेंड्रिकल और क्यूबॉइड और डिस्कॉइड या फिर इरेगुलर शेप में होते हैं. इसके बाद आता है प्लांट सेल. तो इसमें क्या कहा गया है, गार्ड सेल ऑफ स्टोमाटा ऑफ लीव्स आर किडनी शेप और बीन शेप सेल्स. नेक्स्ट इसके बाद आता है मीसोफिल. सेल्स ऑफ लीव आर लॉन्ग एंड रेक्टेंगुलर सेल्स विद क्लोरोप्लास्ट. नेक्स्ट इसके बाद आता है, जैसे इन्होंने बताया है, इसमें जाइलम वेसल्स इन वेस्कुलर बंडल्स ऑफ रूट एंड स्टीम आर सिलेंड्रिकल सेल्स. मीन्स इसमें कहा है लीव्स के स्टोमेटा की जो गार्ड सेल किडनी की शेप की होती है या बीन के शेप की सेल होती है. जो इसमें मीसोफिल सेल है वो लीव मीसोफिल सेल जैसे क्लोरोप्लास्ट वाली लॉन्ग एंड रेक्टेंगुलर सेल होती है. नेक्स्ट इसके बाद आता है जाइलम वेसल्स. रूट एंड स्टीम के वेस्कुलर बंडल में जाइलम वेसल्स एंड सिलेंड्रिकल सेल्स होती है. आता है एनिमल सेल. व्हाइट ब्लड सेल आर फॉर्म बाय दिस चेंज देयर शेप एंड मूव लाइक अमीबा बाय गिविंग आउट प्रोजेक्शन फ्रॉम देयर सरफेस. दिस प्रोजेक्शन आर कॉल्ड, इसको बोला है स्टूपोडिया. WBC है, अमीबिया होती है लेकिन वे अपने शेप बदलती रहती है और अमीबा की तरह गति होती है. उनकी सरफेस से अनुमान देना इन प्रोजेक्शन की स्टूपोडिया कहा जाता है. ठीक है, जैसे इन्होंने कहा है कि स्ट्रोफोस्पोडिया फीड्स होता है. ठीक है, जैसे इन्होंने इसमें कहा है कि जैसे मसल सेल्स आर स्पिंडल शेप सेल विद द पॉइंटेड एंड्स. यानी कि जो इसके अंदर मसल सेल्स है उसमें क्या है, सेल्स पॉइंटेड एंड वाली स्पिंडल शेप की सेल्स होती है. नर्व सेल आर क्वाइट लॉन्ग एंड ब्रांचेस सेल आर देयर एंड्स. फैट सेल्स, लीवर सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड एग सेल्स एक्सेट्रा आर राउंडेड और स्फेरिकल सेल्स. यानी कि इसमें कहा है कि जो नर्व सेल्स है ठीक है काफी लॉन्ग एंड उनकी एंड पर ब्रांचेड सेल होती है. फैट सेल, लीवर सेल, WBC, एग सेल जो होती है वो राउंडेड एंड स्फेरिकल सेल होती है. लास्ट पे हमारा आता है साइज ऑफ सेल. सेल ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन साइज. द स्मॉलेस्ट सेल मे बी एज स्मॉल 0.1 टू 0.15 माइक्रोन बैक्टीरिया एंड द लॉन्गेस्ट सेल मे बी एज लॉन्ग एज 1 मीटर नर्व सेल इन अवर बॉडी. ब्लड सेल आर द स्मॉलेस्ट एंड नर्व सेल आर द लॉन्गेस्ट सेल. यानी कि इसमें कहा गया सेल साइज में बहुत ही डिफरेंट होती है. सबसे स्मॉलेस्ट सेल 0.1 टू 0.15 माइक्रोन बैक्टीरिया होते हैं, ये काफी स्मॉल होती है. लॉन्ग और लॉन्ग सेल 1 मीटर नर्व सेल होती है जो काफी लंबी होती है. हमारी बॉडी के ब्लड कोशिकाएं सबसे स्मॉल एंड नर्व सेल सबसे लंबी सेल होती है. आज के लिए बस इतना ही. आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.